नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका साथी ओम सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर। इंस्पायर अवार्ड में जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो साइट समस्या के कारण बार बार हमें लॉगिन करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड ऐप हम किस प्रकार से डाउनलोड करें, उस पर लॉगिन की क्या प्रक्रिया रहेगी और हम न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। इंस्पायर अवार्ड ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से गूगल के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको सबसे पहले यहाँ सर्च बार को ओपन करना होगा। जैसे आप सर्च बार ओपन करते हैं ये स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ आपको लिखना होगा इंस्पायर मानक। जैसे ही आप इंस्पायर मानक लिखकर सर्च करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। आपको यहाँ से ये ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये इंस्टॉल होने लगता है और इंस्टॉल होते ही यहाँ ओपन का साइन यहाँ आ जाता है हमारे सामने। तो जैसे हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार ये ऐप ओपन होता है और यहाँ पर एक एरो का निशान आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से रजिस्टर किया हुआ है और लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें यूडाइस कोड फिल करना है और जैसे हम प्रोसेस करेंगे तो एक फॉर्म आगे आपको ओपन हो जाएगा और उसको आपको सबमिट करना है। और अगर हमारे पास पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ आपको यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड फिल करके आपको यहाँ लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके स्कूल के सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। अब हमें स्टूडेंट का नॉमिनेशन करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से पांच बॉक्स आपके सामने खुल जाते हैं क्योंकि हमें पांच स्टूडेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए पहले बॉक्स पर हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ आपको स्टूडेंट्स का नेम, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ जेंडर, यानी कि ऑनलाइन में जिस प्रकार से आपको फॉर्म ओपन होता है उसी प्रकार से यहाँ ओपन होता है। यहाँ DOB, यहाँ आधार कार्ड और अगर यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, इस प्रकार से ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पासबुक की इमेज अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको आइडिया यानी कि जो इनोवेशन है उसका यहाँ पर समरी आपको अपलोड करनी है और इस प्रकार ये फॉर्म फिल करने के बाद में आपको यहाँ से सेव करना है। तो मित्रों इस प्रकार से आप वन बाय वन सभी पांच विद्यार्थियों का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।